नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल का स्वागत है। ये बेलारूस ट्रैक्टर है 1967 का मॉडल, और इस वीडियो के अंदर ओवरव्यू बताएंगे आपको। ये तेजेंद्र जी हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं, ये ओवरव्यू बताएंगे। नमस्कार तेजेंद्र जी। नमस्कार जी। आप ट्रैक्टर के बारे में, जैसे ट्रैक्टर का ओवरव्यू बताओ भाई, जैसे कौन सा क्या पार्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं ट्रैक्टर की, और किस तरीके से इनकी केयर की जाती है। अपने शीशा लगा हुआ है जिसके ऊपर। हाँ, वो साथ का ही है, साथ का मिरर है, साइड मिरर है जो होता है मिरर। हाँ, और उसका पानी इतना साफ है जी, आजकल शीशे नहीं उसके इतना साफ दिखते। अच्छा अच्छा, इस ट्रैक्टर में शीशा उधर से दिख जाएगा जी। बहुत साफ है ये है भाई, वो शीशा जो बता रहे थे वो। और इसके अंदर आप देख सकते हो, ये रहा बिल्कुल साफ सुंदर एकदम, कोई खराबी नहीं इसके अंदर। ये इन्होंने वेल्ड करवाया हुआ अभी फिलहाल, ये रहा। और क्या क्या खासियत है जी ट्रैक्टर की बताओ थोड़ा सा। बराबर सिंचाई बहुत ज्यादा आजकल कंबाइनों का है जी, कंबाइनें खेत में फंस जाती हैं जी, जैसे मौसम है, जहाँ चार चार पांच मिनट ट्रैक्टर नहीं निकालते ना जी, जब बेबस हो जाते हैं फिर लोग इसको याद करते हैं, निकालते हैं। अरे अपने ट्रैक्टर वो अच्छा, पहले वहां से निकाल लेते, कभी तोड़ ना दे बीच से। अच्छा अच्छा, मतलब इस कारण डरते हुए। डरते हैं। अच्छा अच्छा, और बताओ जैसे अपना और ट्रैक्टर का क्या क्या गियर वगैरह के बारे में। ड्यूल क्लच में है ये? ड्यूल क्लच में आया। अच्छा, डबल से? हाँ, शुरू से ड्यूल क्लच में आया। अच्छा अच्छा। मोबाइल ऑयल ठंडा करने का फिल्टर लगा हुआ है आगे जी। अच्छा, मोबाइल ऑयल ठंडा करने के लिए यहाँ फिल्टर लगा रखा है इन्होंने आगे। इसके आगे रेडिएटर के आगे देखो, ये कितना कितना पतला है जी। रशियन होने के कारण जी, देखो कि कोई चीज नहीं इसके अंदर बड़े बड़े, कितने कितने कम से कम 14-15 ट्रैक्टर भी इसके आगे लगे हुए हैं जी। अच्छा, 14-15 ट्रैक्टर आपने इसके आगे जोड़े हैं? जुड़े हुए हैं, देख लीजिए, इसको कुछ नहीं आज तक। अच्छा, कोई और फर्क और हैंडल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑप्शन दिया है इसके अंदर। अगर ये फंस गया, बेबस हो गया, बस ये फिर दूसरे ट्रैक्टर तो उसको खींचते नहीं। आजकल पावर का ट्रैक्टर जिस तरह आजकल बच्चों में जाना है, इस तरह ही बस आजकल मशीनों में जाना है जी। बिल्कुल, ये आपने सही बात बोली। कुप्पी से निकालना पड़ा जी। अच्छा, चैन कुप्पी से निकला? ऐसा दल दल खेत आ गया था, बैठ गया वहाँ ट्रैक्टर पास जाती नहीं था जी। अच्छा, फिर अपने पेड़ में फंसा गई चैन पुट्टी से। हाँ, चैन पुल्ली से सही किया। पंप के बारे में थोड़ा बताओ आप एक बार। कौन सा पंप? अपने डीजल पंप के बारे में, ये जो अपना पंप है, ये कौन सा पंप है? ये ध्यान होता आपको है तो माइको की है जी। अच्छा अच्छा, माइको की। हाँ, माइको के पंप है। हम वैसे के साथ के आए हुए, साथ का पंप लगा हुआ है रशियन, इसके जो इंजन में आपने लगाया ना डी आई। अच्छा अच्छा, डी आई इंजन के साथ में जो आता था ये वही पंप लगा हुआ है इसके अंदर में। ये अपना डीजल फिल्टर हो गया और ये सेल्फ स्टार्ट हो गया। ये सेल्फ स्टार्ट हो गया, साथ की सेल्फ बैटरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाइड्रोलिक अपना कोई भी अगर आगे डोजर लोडर वगैरह लगाना। डबल लगे होते हैं वो तो है, काफी बढ़िया चीजें हैं इधर अपना। ये आपने पावर स्टीयरिंग इसको करवाया है बाद में, स्विच लगाई। ये भी बहुत जरूरी है जी। हाँ, ये तो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एकदम कोई फॉल्ट पड़े, कोई शॉर्ट हो जाए तार, तो साथ में काट दो, सारी वायरिंग बच जाएगी। ये इसकी अपनी प्लेट है। हाँ, जो मॉडल नंबर वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है, 1967 मॉडल ट्रैक्टर। इसको जर नहीं लगती। अच्छा, ऐसी है, जर नहीं लगते, जर नहीं पकड़ते है। अच्छा, ट्रैक्टर कहीं से कोई जंग नहीं पकड़ता ट्रैक्टर? जर नहीं पकड़ता, बस जैसी शो पड़ी देखो वैसी ही है। ओरिजिनल पेंट है इस पे? नहीं, पेंट। अच्छा, रीपेंट करवाया आपने? खराब नहीं होती, जर थोड़ी वजह से शौकी है तो साफ सुथरा रहे। नहीं नहीं, आप वो शौक तो एक अलग चीज है जी, शौक के ना मामले में साफ सुथरा आपने रखना पड़ेगा। और कुछ टायर वगैरह? जर नहीं लगती इसके टायर, इसमें 13-38 है। हाँ हाँ, लेकिन अब आने लग गए जो इसके साथ के टायर होते हैं 15 के बीच में आते हैं। ये तो जो 50 हॉर्स पावर तक था 13-38 के थे। अच्छा अच्छा सर, जो रशियन टायर था थोड़ी इसकी चढ़ाई थोड़ी ऊंचाई भी थी उसकी, आने लग गए हैं 15-35 के। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डलवाएंगे जब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपना वेट वगैरह ये आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं आप, कितना ही चौड़ाई बड़ा घटा सकते हो। अनजान आदमी इसका टायर नहीं ये निकाल नहीं सकता बाहर। क्यों, ऐसा क्या है जी इसमें? क्योंकि हमने यहाँ से अपना जो लोकल मिस्त्री थे ना, जो मिस्त्री आजकल के, ये हमें इसमें डालना पड़ गया, ये निकालना पड़ गया, ये तो वो निकाल नहीं सका बाहर से, मिस्त्री जींस सी लाना पड़ा। अच्छा, उसने एक मिनट लगाया। अच्छा, फिर आपने भी सीख लिया उसके बाद? तो फिर तो सीख लिया। और थोड़ा लिफ्ट के बारे में बताओ थोड़ा। ये अपना लिफ्ट ऑप्शन हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये। हाँ, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट दोनों तरफों काम करती है, नीचे को भी ऊपर को भी। ठीक ठीक, पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर एकदम। और ये ब्रेक ड्रम? अच्छा, ये इधर ब्रेक ड्रम है। हाँ, ये ठीक, ब्रेक ड्रम है जी। ये डीजल ऑयल डीजल टैंक भी है अपना। ये डीजल टैंक, इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंट भी लाइटें साथ की है जी। अच्छा, ये साइड वाली लाइटें उतार के हमने अंदर रखी है। अच्छा, साइड के वाली अंदर रखी हुई है। हाँ, वो टूटने डर रहता है जी, सारा कुछ लगना चाहिए कहीं पे ट्रैक्टर में। ये अपना टूल बॉक्स छोटा सा। हाँ, ये टूल बॉक्स
ओरिजिनल टूल बॉक्स साथ का ही। ये है भाई ट्रैक्टर जो जो साथ का था ऊपर लाए जो तेल वाला ये अपना साइलेंसर हाँ ऊपर वाला हाँ वो भी हमने अंदर रखा है ओरिजिनल। अच्छा जो साथ का ओरिजिनल है वो आपने अंदर रख रखा है, ये आपने दूसरा लगा रखा है इस पर। ठीक ठीक, ऐसा क्यों कि आपने मतलब वो टूटने फूटने का डर रहता है कहीं? टूटने फूटने का डर जब ये इतनी वो भी नहीं थी नॉलेज, जब ऐसे ऐसे तरह बना लीजिए जैसे जैसे जनता की डिमांड थी ना वो सोच के हाँ लगाने की क्षमता। नहीं आपने टर्बो भी लगा दी इस पर सारी चीज़ें, अपना इंजन एयर फिल्टर एयर क्लीनर ऑयल वाला ऑयल बात पहले, पहले तो बुजुर्गों को ही शौक था जी, अब तो तकरीबन नई पीढ़ी को भी बाई लास्ट का ही शौक हो गया। बिल्कुल है जी, आज के टाइम में इस ट्रैक्टर की वाकई में बहुत बढ़िया डिमांड है। देखो दो तरीके होते, एक तो शौक होता है, एक जैसे आप अगर काम भी करना चाहते हो तो ट्रैक्टर वाकई में परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है। इन्हीं ट्रैक्टरों की कीमत एक टाइम ऐसा आ गया जी 30,000 रुपये के अंदर ये लोगों ने चढ़वाया जी। हाँ बिल्कुल, कबाड़ में चढ़वाया, आज ये मिलते ही नहीं। हम ट्रैक्टर देखने गए थे साफ सुथरा था जींद में, 10 लाख रुपये उसने मांगे। 10 लाख रुपये? 10 लाख रुपये। अच्छा अच्छा, इतनी कीमत कुछ तो खास बात है, तभी तो लोग दुनिया के पीछे दोबारा फिर इसके पीछे लग लिए लोग। अब तो बच्चों को शौक जाना खेल और नहीं, वो तो हो गया था डबल क्लच में है ये तो, अपना गियर जैसे क्लच दबाए बिना गियर नहीं लग सकता इस ट्रैक्टर का। चलो तेल कम खाता है खिंचाई में इसका, एक डीजल खर्चा भी कम है, पावर भी ज्यादा लगा हुआ है, डीजल खर्चा कम है, बहुत बैलेंस ट्रैक्टर बनाया हुआ है जी। अच्छा अच्छा, बहुत बैलेंस, ताकत ज्यादा लगा। हाँ। एक जो आप बता रहे थे टायर में बचपन में टायर के साथ हाँ, बचपन में छोटे जो छुप छुपाई खेलते थे इसमें घुस जाते थे जगह, तो इसमें ऐसे अच्छा अच्छा जा, काफी स्पेस है हाँ, तो इसमें बैठ जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है जी ट्रैक्टर का, वाकई में हाइट ज्यादा है ट्रैक्टर की। ये था भाई बेलारूस ट्रैक्टर 1967 का मॉडल, और भी था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।